बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूएसबी या जो लोग पेन ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव के आइकन पे कैसे आप अपनी पिक्चर या किसी की भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर मैंने लगानी है, ये पिक्चर मेरी जेपीजी में है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है बिट मैप में। यहाँ से आपने MS पेंट टाइप करके ओपन कर लेना है और उस पिक्चर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। अब फाइल सेव एज, यहाँ से टाइप आपने बिट मैप 24 बिट करना है और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सेव कर लेना है आपने। अब यहाँ आपने एक न्यू में आके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है और यहाँ दो लाइनों का कोड टाइप करना है। ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट AUTO ऑटो रन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आइकन इज इक्वल टू जो भी आपका फाइल नेम है, लाइक मेरी पिक्चर का नाम जो है वो 55 है, 55.bmp। यहाँ से करके आपने सेव एज करना है। इसी फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ऑटो रन .inf ये नाम करके और सेव एज टाइप में आपने ऑल फाइल्स कर देना है। सेव कर देना है। अब ये फाइल मेरी किसी काम की नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपल क्या करना है, आपने 55 और ऑटो रन को आपने कॉपी कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अब यहाँ ये मेरी पेन ड्राइव है USB जिसका आइकन सिंपल ड्राइव की तरह शो हो रहा है। मैंने इसको ओपन करना है और यहाँ ये दोनों फाइलें पेस्ट कर देनी है। अब मैं बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, ना इसकी ड्राइव का आइकन चेंज हुआ। अब सिंपल मैंने क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव को अनप्लग करना है और दोबारा से प्लग इन करना है। अब देख सकते हैं कि मेरी USB की ड्राइव का आइकन चेंज हो गया, मेरी पिक्चर आ गई, वही पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप USB के आइकन पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, किसी भी की पिक्चर लगा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।